देखिए, जब भी कोई अवार्ड राष्ट्रीय स्तर का किसी भी संस्थान को मिलता है तो उसके वैज्ञानिकों का, उसके छात्रों का, उसके कर्मचारियों का एक मॉरल बूस्ट होता है। उसको लगता है कि उसकी रिकग्निशन है। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि उसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सर्वोत्कृष्ट, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन को मिलता है, वो सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूशन अवार्ड है। वो इस बार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को मिला है। देश में 72-73, अब तो 74 विश्वविद्यालय हैं और NDRI, IARI, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बराबर ये हैं। इन सब में किसी एक इंस्टीट्यूशन को या किसी एक यूनिवर्सिटी को मिलता है तो इस बार ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को मिला है। और इसके बहुत सारे मानक हैं, आपके छात्रों का प्लेसमेंट कैसा है, आपके कितने छात्रों ने नेट पास किया है, आपके कितने छात्रों ने एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट ARS का एग्ज़ाम पास किया है, आपके कितने दूसरे छात्रों ने दूसरे तरह का नेट पास किया है, आपके छात्रों की परफॉर्मेंस क्या है, आपके फैकल्टी मेंबर्स किस तरह के शोध पत्र छापते हैं, आपके कितने पेटेंट्स हैं, आपने कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है, आपका ओवरऑल ऑफिशियल सिस्टम कैसा है, आप कितने डिजिटाइज हुए हैं, आप कितना, जितने भी क्राइटेरिया होते हैं अच्छे होने के, उन सब क्राइटेरिया में हमें अपने अपने विद्यालय को भरना पड़ता है। और मुझे प्रसन्नता है कि सारे इस विश्वविद्यालय ने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इस विश्वविद्यालय को इस स्तर पर पहुँचाया कि आज हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है। तो मैं इसके लिए अपने सारे स्टाफ को, अपने वैज्ञानिकों को, अपने छात्रों को, नॉन टीचिंग स्टाफ को और अपने वेल विशर्स एलमनाई को, जो पूर्व छात्र छात्राएं हैं, उन सबको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ।